श्री राजेश कच्छप भी अपने पक्ष को ईडी के समक्ष रख देंगे। जितना भी डॉक्यूमेंट को मांगा गया था ईडी के द्वारा, वो सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आए। देखिए, जो सच्चाई है वो ईडी के सामने वो रख देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी माननीय विधायक जामताड़ा से हैं, उनके द्वारा जो भी सच बात थी वो ईडी के समक्ष रख दिया गया पूछताछ के दरमियान। नमस्कार, मैं नेहा खान, स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मौजूद हूँ ईडी कार्यालय में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईडी कार्यालय के समक्ष जो है आज राजेश कच्छप, विधायक राजेश कच्छप जो है उनको यहाँ बुलाई गई है। और वो लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँच चुके हैं अपने अधिवक्ता के साथ, अपने वकील के साथ, और सारे दस्तावेज लेकर यहाँ पे वो पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कड़ी निगरानी जो रखी गई है, तमाम मीडिया बंधु जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उनसे कहीं ना कहीं लोगों ने बात करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की हैं मीडिया से। वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहीं अपना पक्ष रखा है। उनकी जो अधिवक्ता है उन्होंने भी बताया कि सारे दस्तावेज के साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद हुए। देखिए, जो सच्चाई है वो ईडी के सामने वो रख देंगे। जैसे कल का दिन जो था, डॉक्टर इरफान अंसारी माननीय विधायक जामताड़ा से हैं, उनके द्वारा जो भी सच बात थी वो ईडी के समक्ष रख दिया गया पूछताछ के दरमियान। उसी तरह से श्री राजेश कच्छप भी अपने पक्ष को ईडी के समक्ष रख देंगे। बेहतर होगा उनसे पूछताछ हो जाने दीजिए। शाम के वक्त जब या जब भी ईडी के द्वारा उनको छोड़ा जाएगा, उस वक्त फिर पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस जितना भी डॉक्यूमेंट को मांगा गया था ईडी के द्वारा, वो सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आया गया। जो पैसे मिले थे इन लोगों के पास, उससे संबंधित कोई दस्तावेज, जो भी दस्तावेज है वो लेके गए हैं, और अंदर फिर पूछताछ के बाद ये चीज आएगा सामने। आपको आपको किस सोर्स से ये जानकारी मिली ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उन्होंने अपने पक्ष को रखते समय ये चीज बताया था कि उनके ऊपर जो रकम दिखाया गया है वो उनके पेट्रोल पंप का पैसा था, और वो पूरा बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली करके देख भी लिए ईडी वाले, वो सच साबित हुआ। ठीक है, पूरा नाम बताइए सर। मेरा नाम चंद्र भानु है, मैं अधिवक्ता हूँ, ये तीनों विधायक के अधिवक्ता हूँ। वैसे कल यहाँ पे इरफान अंसारी को बुलाया गया था, और कल भी तीसरे विधायक को यहाँ पे बुलाया जाएगा। आज उनकी पूछताछ चल रही है राजेश कच्छप की, वहीं देखना होगा कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे चल रही है। वैसे झारखंड में सरकार गिरने की साजिश से जुड़े कैश कांड में ईडी मंगलवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेश कच्छप, खिजरी के विधायक और विक्सल कोंगारी से पूछताछ कर रही है। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में सोमवार को ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव से करीब 7 घंटे में पूछताछ की। वहीं कांग्रेस से निलंबित विधायक इरफान अंसारी से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी कल। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।